फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो भाई लाइव टीवी पर पाकिस्तानी ने की फिर से भारत में धमाके की बात। अच्छा पाक मीडिया फनी, चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन पर लाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। वजीर आजम साहब आप एक काम कर सकते हैं, एक तो आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें, हाथ बढ़ाएं। देखा होगा इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें अपने फायदे के लिए। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया तो तैयारी के दौरान भाग रहे हैं, हम तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और इंडिया को मकबूजा कश्मीर हवाले कर दिया था सालसी मान के। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहाँ से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया, हमारे ऊपर क्या आया कि हम कमीशन ले आए। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम इंडिया ने ये क्रिएट कर दी है, खासतौर पे जो हमारी टेरिटरी पे उसने किलिंग्स की हैं और जिनको एक्सेप्ट भी किया है कि उसके बाद अब कोई एक्सेप्ट नहीं है, हमने क्या बोली जा रहा आएगी तो हम बात कर सकते हैं। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन में इंडिया से बात करेंगे तो समझे कि वो सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी सारा मत करो, किसने बोला वो सब खत्म हो गया। नोबडी वांट्स यू डिफेंसेस को ऐसा स्ट्रांग करे, फूड प्रूफ करे, कोई ऐसी पैरिटी जैसे किसी जमाने में कहते थे टेररिज्म की पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, वहाँ यहाँ धमाका हुआ तो दो वहाँ हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए, वो करना पड़ेगा। जैसे किसी जमाने में कहते थे पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, वहाँ यहाँ धमाका हुआ तो दो वहाँ हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए, वो करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तानी घटी कहते हैं यहाँ एकदम आ गया दो तब बात तो, अब तक तो ये खुद ही कंडीशन लगा देते हैं नहीं हम भारत के साथ में तब तक ट्रेड नहीं कर सकते जब तक भारत ऐसा काम नहीं करेगा, या फिर खुद ही नकार देते नहीं भारत के साथ में हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। लेकिन आजकल ये भिखमंगे भाई भारत को धमकियां देने भी शुरू कर दिया कि नहीं भारत के साथ में ट्रेड भी करेंगे लेकिन भारत के अंदर धमाके भी करेंगे, जैसे कि पहले पाकिस्तान की दुश्मन भी उसको बोलेंगे। बाकी दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आरिफ हबीब साहब वो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके दो तीन बड़े नामों में से हैं, आरिफ हबीब है, अकील अब्बास करते थे जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज को चलाया करते थे। मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे लगा वो बोल रहे हैं जैसे भेड़ बकरियों का स्टॉक। कि वजीर आजम साहब आप एक काम कर सकते हैं, एक तो आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें, हाथ मिलाए इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान की हिकमत अमली हम ताजरों के कहने पर तय कर लें। बात यह है कि हमारे हम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया तो तैयार नहीं होता और हम भाग रहे हैं, हम तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और इंडिया को मकबूजा कश्मीर हवाले कर दिया था सालसी मान के। क्या बोल रहे हैं, आपको पता है ना वो एक वजीर आजम जो आजकल अडियाला जेल में है वो ये काम करके आए थे कि मैं तो ऐसे आ रहा हूँ जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए और कुछ दिन बाद कश्मीर जो है वो 5 अगस्त की नजर हो गया था, मतलब हमने तो कुछ नहीं किया बदले में। लेकिन क्या चाइना हमारा दोस्त नहीं, क्या सऊदी अरब हमारा दोस्त नहीं, नहीं तुम्हारा मतलब नहीं। मैं दो मुल्कों के नाम लेके रोकता हूँ, हमारा दोस्त नहीं है, सारे के सारे तुम्हारे अब्बू हैं। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है। दुश्मन ने कामयाबी कहाँ से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया, हमारे ऊपर क्या आया कि हम कमीशन ले आए, टेक्नोलॉजी ना लाए बस टेक्नोलॉजी कहीं और से लेके आते, बेटे खुद बनाई थी, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी लाए, मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन की भी कर रहे हैं, टेलीफोन दिफा में तो वो उनकी सिचुएशन है, बड़ी सीधी खुली खुली बात कर सेलफोन वो हमारे की बात है का सुनकर तो मेरा ही बड़ा गर्व हो गया, मुझे भी समझ नहीं आया टेलीफोन की जगह क्या करते हैं, एक घंटा तो मैं सोच रहा हूं टेलीफोन नहीं बना रहा सेलफोन बनाता है। हमने अपने आप को जज्बाती नारों के अलावा दिया क्या है जी, वो ये और वो हमें भी बात करनी चाहिए कि हमारा दुनिया को एक मैसेज आए कि हम डिस्प्यूट को रखते हुए जो चाइना की जुबान है हम ना काम करते हैं और फोके फायर मारने वाली बात है सारी की सारी, सच्ची बात ये है। हमें दुनिया को बावर कराना चाहिए कि आज इंडिया अगर संजीदा हो तो हम अपने लोगों के लिए ये काम करने के लिए तैयार हैं कि जो दुबई से स्मगल होकर चीजें या दुनिया भर में से हम महंगी खरीद के ला रहे हैं वो हमारे पड़ोस से जो हम महंगी लड़ाई झगड़े मैगी खरीद के ला रहे हैं महंगी चीजें, बिल्कुल जज्बाती इस मामले में था कि नहीं सबसे पहले आपको कश्मीर लेना है, लेकिन हकायक हमें कुछ और बता रहे होते हैं ना, आप डिस्प्यूट के ऊपर रखें रेजोल्यूशन भी वापस ना लें। हम पड़ोसी के साथ संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं, इसी तरह अफगानिस्तान है, ईरान है,
ईरान ने कोई हमें कोई मुफ्त में गैस देते नहीं, उन्होंने 8 अरब डॉलर के जुर्माने के खत लिखे हैं कि अगर आपने नहीं शुरू करनी तो ये पैसे आपने पे करने हैं, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया, हमने खर्चा किया है। वो छोड़ रहा है कोई भाईचारे के नाम पे? कोई भी नहीं छोड़ता। अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है? हमने लुटा दिया अपना पूरा मुल्क, 40 लाख अफगान माजरीन को, जनाब ये तो हमारे भाई हैं, हम अनसार बन गए, वो माजरीन हो गए, किससे कहानियां, किताबें लोगों ने बेच दी, रिस्की उन्होंने इसमें बना लिया कि सौदा बेचो अपना ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है जी। और क्या मिल रहा है हमें? लित्तर वहां से मिलता है, गाली देते हैं हमें बैठ के अफगानी। लेकिन अब क्या इस सारी गुफ्तगू को आप क्या नतीजा निकालते हैं? अच्छा ताल्लुकात होना चाहिए, कुछ शक नहीं, असूली तौर पर अच्छी बात है, हो नहीं पा रहे ये भी असूली तौर पर ठीक नजर आता है, लेकिन क्या करें क्या? कुछ नहीं। देखिए सर, जो बात ये टेररिस्ट वाला आदमी है, वो ये कि वाकई अब जो तजारत है बहुत अहम है, मीशत बहुत अहम है, इस बात से सरफ नज़र मुमकिन नहीं। लेकिन जब आप इंडिया के तनाजुर में बात करते हैं तो हमें बात समझनी चाहिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। यानी 1980s के बाद से जो 3 बड़े वाक़यात हुए ना जिन्होंने ये इक्वेशन डिस्टर्ब की है, उसमें एक तो ये है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जो पैरिटी है वो ख़त्म कर दी, उनका इंडिया से अलग ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान से अलग होंगे। दूसरा काम जो ये जो अभी बात हो रही थी, आमिर साहब बात कर रहे थे, और तीसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है जो इंडिया ने पाकिस्तान के लॉ एंड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर कॉम्प्लिकेटिंग प्ले करना शुरू किया। अब ये वो चीज़ें जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो मुल्क के, अगर हम ये इस बात को भूल नहीं जाएं कि हमने इंडिया से तजारत करनी है, तो खुद हमारी भी इकॉनमी नहीं संभल सकती जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम इंडिया ने ये क्रिएट कर दी है, खासतौर पर जो हमारी टेरिटरी पर उसने किलिंग्स की हैं और जिनको एक्सेप्ट भी किया है कि उसके बाद अब बराबरी की आएगी तो हम बात कर सकते हैं। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन में इंडिया से बात करेंगे तो समझे कि वो सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, सारा आपका जो लोकल स्टैंड आय है 75 साल का, वो सब खत्म। मैं भी तो ये बोलती हूँ नहीं बात करनी, सबसर्वियंट स्टेट के तौर पर से बात करेंगे कि वो चुके उनकी वो बुनी है इलाके के और आप उनका सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनसे कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में मत करो यार, कहते हैं डेथ और डिसऑनर में से आप डिसऑनर ले लें तो डेथ ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, तो वो ऐसा नहीं, अच्छा सौदा नहीं होता। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये पैदा कर दी इंडिया ने कि हम वो एक नॉर्मल वो कश्मीर वाला मसला नहीं है कि उसको बैक बर्नर पर डाल के आप कर लें। इंडिया एक डायरेक्ट इंडल्जेंट पावर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, इंडल्जेंट पावर में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो जिस तरह वो प्ले कर रहा है, इधर धमाका उधर किसी को, पहले बात तो छुपती रही कि जी वो किसी माम मस्जिद को मार दिया जी मोटरसाइकिल सवार ने, अब बात सारी खुल गई है कि वो क्या हुआ। इसराइल वाली पॉलिसी अपना रहा है जो इसराइल ने किया कि जो उसका दुश्मन हो, वो चाहे यूएई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लेबनान में हो, उसको वो मार देते थे। तो अब ये है कि हमें जो तजारत के हवाले से जो करने का काम है वो ये है कि अपने डिफेंसेस को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें, फूड तुम वही तो कर रहे हो बस, जैसे किसी तो आवाम भूखी बैठी रहे, आटा ना हो मगर मिसल जरूर खरीद ले, वहां हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए, वो करना पड़ेगा। क्या क्या लोग थे भैया, क्या बोले थे, स्टॉक स्टॉक क्या बोला था बंदा, एक और भी तुमने देखा था वीडियो कल परसों में ही जिसमें वो पता नहीं क्या बोले, मुझे समझ ही नहीं, फिर इन्होंने बताया कि ये बोल रहा है, मेरे तो मैगी ने सुनाई दिया, इनको तो मैगी ने सुनाई, महंगाई महंगाई इनको महंगाई मैगी बोल रहा है। ऐसे तो लोग हैं, और खाली यही नहीं है, कितने सारे हम सुन चुके हैं उनकी, अगर हम ध्यान से सुने ना तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक गलती तो निकल ही जाएगी, और इंग्लिश में तो ये इतना गंद मचाते हैं। देखिए अगर अगर बोलो रियली नहीं चाहते ट्रेड करना, हाँ तो इंडिया की जनता तो बोलेगी वेरी गुड, तो अच्छा हो गया, हम तो कह रहे तुम बोलोगे भी ट्रेड करना तो हम ना बोलेंगे तुमको, मोस्ट लाइकली इंडिया बोलेगा नहीं करना ट्रेड, वी डोंट नीड इट, इनको बता दो समझ आ गई है, तो अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते तो बोलना भी मत कि हमसे को ट्रेड करनी है, क्योंकि ना सुनने को मिलेगा। दोबारा ही चाहते हैं कि डिफेंस में फोकस करें, बस डिफेंस में ही फोकस करो और कहीं पर फोकस मत करना, करो भैया हम तो कह रहे हैं करो बिल्कुल, ट्रेड की बातें मत करो, डिफेंस में फोकस करो, आवाम सारी भूखी बैठी रहेगी और ये लोग डिफेंस ही करते रहेंगे, बस करो करो करो, हम तो कह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं तुम लोगों के इस कामों से। तो चलो यार शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।